everyone, welcome back to Hostel Diaries. अब आप ये ब्रेड का पाइल देख के सोच रहे होंगे कि अमृता कर क्या रही है. वेल यस आई नो आई एम नॉट अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ व्हाइट ब्रेड बट दिस इज हॉस्टल डायरीज और मुझे पता है कि हॉस्टल में आप लोगों को ज्यादा एक्सेस नहीं होता टू हेल्दियर ब्रेड्स. अगर होता है तो प्लीज यूज कीजिए. इसका एक और रीजन है कि मैंने व्हाइट ब्रेड क्यों यूज किया है, बिकॉज मैं बना रही हूँ ब्रेड उपमा और ब्रेड उपमा में पड़ती है हल्दी और वो कलर जो आता है वो बहुत अच्छा होता है. तो कई बार हमारे पास बहुत सारा ब्रेड जो होता है वो रह जाता है एंड लेफ्ट ओवर ब्रेड हार्ड हो जाता है, राइट, एंड उसे खाने में मजा नहीं आता. तो व्हाट डू यू टर्न इट इनटू अ यम्मी उपमा. सो फॉर दैट एक पैन में हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और फिर उसमें हम बहुत ही क्विक तरीके से उपमा बनाएंगे. हल्का सा तेल डाल दिया, तेल जैसे गरम हो जाए इसमें थोड़ा सा राई डाल दूंगी. तो ये एक दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको रखने चाहिए. करी पत्ता अगर आपको मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जस्ट ड्रीम ऑफ इट. ओके, अब थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे एंड फिर हल्का सा प्याज और टमाटर इसमें सॉटे कर लेंगे. ओके, सो नाउ द अनियंस आर लुकिंग नाइस एंड कुक्ड. आई हैव द टमेटोज फॉर दिस नाइस मिक्स. हमें ज्यादा नहीं कुक करना है टोमेटो को, हमें लिटरली उसका मसाला नहीं बनाना है. वी वॉन्टेड टू एड द कलर एंड द क्रंच टू आर ब्रेड उपमा. विच इज गोना कुक इट वेरी वेरी स्लाइटली. नाउ विल सीजन इट विद सम सॉल्ट एंड विल ऐड सम हल्दी जिसकी मैं पहले बात कर रही थी. ये हल्दी बहुत ही प्यारा कलर देगा हमारे ब्रेड उपमा को. आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं बट आई डोंट recommend adding it. Okay, finally throw the bread. Give it a nice lovely toss. देखिए ये जो कलर आ रहा है ब्रेड पे इसी के मैं बात कर रही थी. सिर्फ इसलिए मैंने व्हाइट ब्रेड इस रेसिपी में यूज कर लिया है. There are certain liberties that we take in certain recipes and this is one of those. बस 3-4 मिनट 5 मिनट में आपकी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो सकती है. बस इसे अब हम सर्व कर देंगे. सो स्पून से सर्व इट. ओके, दिस इज डन. Yummy. Actually, मैंने ना ये ब्रेड उपमा बचपन में बहुत खाया है. मम्मी कई बार बनाते थे, उस समय तो अलग अलग रेसिपी आइडियाज नहीं होते थे. Sometimes it's just lovely to go back to the basics, isn't it? Enjoy this recipe.